The world is changing and quality healthcare is very important and should be accessed easily. For that, we have now mulkehealth.com, an entire e-hospital now at your fingertips. Go and visit. Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to flaunt your smile always with lots of positiveness. Support a smile. Peace. Friends, aaj hamare saath hain Sandal Khatak. Model hain, TikTok star hain aur social media influencer hain. Marketing ka ek bada jana mana naam hai social media marketing ka. तो जनाब, हम उनसे आज बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो हमसे आज क्या कहती हैं। आइए। पठान की यारी और बलोच की वफादारी किस्मत वालों को मिलती है। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, फिर आप जाके कहीं और मर जाते हैं, तो आप पहले ही कहीं और जाके क्यों नहीं मर जाते? आज खराब था और अभी मैंने पैकेज करवाया दोबारा। तो संदल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई पाकिस्तानी हीरोइन आएगी तो वो एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी पाकिस्तान। इंशाल्लाह ऐसा हो, उम्मीद है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जो है ये पूछूंगी कि अपने बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपकी बिगनिंग हुई इंटरनेट से, आपको जो है वो किस तरह जो हुआ। मुश्किल उर्दू तो नहीं बोल दी मैंने? नहीं नहीं नहीं, आपने सही बोला। बस शौक था, बचपन से शौक था इस लाइन में आने का। इस वजह से मीडिया में मैं शुरू से, मतलब बचपन से शौक था वीडियोस बनाने का, तो बस आ गई और अब तक आई भी हूँ। अच्छा, आप जो है, आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी नहीं है, न्यू जनरेशन से हैं और कम उम्र है। मैं तो 20-21 साल पहले मीडिया में थी और प्रिंट मीडिया में थी। उस जमाने में सोशल मीडिया था ही नहीं। अच्छा, फेसबुक बाद में आया, फिर हमने भी फेसबुक ज्वाइन किया और ये सब था, और बाद में सोशल मीडिया जो है वो सामने आया। अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी चीज की रिपोर्टिंग करें वीडियोस में, तो आप कैसे करेंगी वो? कोई वाक्य हो रहा है, रिपोर्टिंग करनी है वीडियो के जरिए। मैं समझी नहीं आपके सवाल को। जैसे कि आप जा रहे, आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं, अब आपसे कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो आप उसको किस तरह से अपने फॉलोअर्स को रिपोर्ट करें? मैं चाहिए क्रिकेट वाला ड्रेस पहन के डांस शुरू कर दूंगी, सारे देखना छीन लूंगी। मोटिवेट करना है लोगों को अपनी तरफ, उस चीज पे लाना है, तो वो जिस तरीके से भी लाओ। अच्छा, हर क्रिकेट टीम का कोई ना कोई होता है ना, जो उनकी अपने स्टार्स होते हैं या उनके, तो आपने कभी कुछ इस तरह सोचा है गेम्स वगैरह के बारे में? नहीं नहीं, बस पसंद नहीं है क्रिकेट का, कौन सा स्पोर्ट पसंद है? इंटरेस्ट नहीं, इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं, बस मेरा सिंपल फनी एंटरटेनमेंट पसंद है। अच्छा संदल, आप एक्टर भी बनना चाहती हैं? एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? एक्ट्रेस बनना, हाँ बनना चाहती हूँ। तो आपने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी की है, जैसे कि अपना पोर्टफोलियो या ऑडिशन या कुछ इस तरह से? नहीं 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 नहीं, मैं कहती हूँ बस मुझे किसी चीज के लिए कुछ करना ना पड़े, बस डायरेक्ट ऑफर आए। अच्छा, ऑफर तो आपको आएगी डेफिनेटली, क्योंकि अब आप तो सबको पता चल गया कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और सबको पता है आप खूबसूरत भी हैं, लेकिन ऑडिशन वगैरह जो है ना वो तो देना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप टिकटॉक वीडियोस बनाती है, उसमें लोग आपकी एक्टिंग स्किल्स देख रहे होते हैं, आपकी आंखें बातें कर रही होती है, लेकिन आवाज और आवाज उतार चढ़ाव ये सब ऑडिशन में होता है, कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा नहीं है। मैं एक दफा मूवी में सिलेक्ट हुई थी और एक पिक्चर से दिखाई थी उनको, जिन्होंने सिलेक्ट करना था, उन्होंने पिक्चर देख के मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं देखा कि इसको बोलना भी आता है, इसको एक्टिंग भी आती है, कुछ भी आता भी। परवाज है, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवीज थी, मूवी है, तो उसमें मैं सिलेक्ट होगी, सिर्फ उन्होंने मेरी पिक्चर देखी और मुझे कहा इसको बुला लो,
और लेकिन वो मैंने फिर कुछ छोड़ दिया, मैं वापस आ गई। तो मुझे इतना खुद पे भरोसा, इतना टैलेंट है मेरे में कि मुझे कोई देखेगा तो सिलेक्ट कर लेगा, बेशक मेरा जुबान ठीक ना भी हो। नहीं नहीं डेफिनेटली वो तो आपको बोलना वगैरह तो आता है। अच्छा ऐसा में होता क्या है कि रोल होता है कोई ना, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रही हैं तो जो जर्नलिस्ट होगा ना एक खास गेटअप होता है और उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं तो अपने आप को उस रोल में ढालना होता है, इसलिए ऑडिशन होता है। तो हाँ उस रोल में डाल लेती हूँ, कुछ रोल कर लेती हूँ, पागलपन के रोल कर लेती हूँ कुछ कर लेते, कुछ नहीं कर लेते, सीरियस नहीं हो सकती मैं कभी भी। हाँ हाँ अल्लाह ताला को यूं ही खुश रखे और इसी तरह से रखे। और अच्छा ये बताइए कि आपके घर में आपके सारे भाई बहन वगैरह हैं, उनमें से और किसी को भी सोशल मीडिया का शौक है? हाँ सबको शौक है। तो उन सबके अपने अपने चैनल्स हैं? नहीं कोई यूज नहीं करता शौक सबको, लेकिन एक हिम्मत दिखाने वाली मैं ही थी जो आगे आई। हाँ हाँ और फिर उसका बड़ा तावान भी देना पड़ता है ये चीज है। और मेरा, अच्छा ये मेरा फैमिली सब सपोर्ट करते हैं मेरे को। हाँ हाँ अच्छा मुझे ना एक चीज मैं हमेशा बताती हूँ कि सबको, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी ऑडियंस को बता रही थी कि एक चीज होती है कि विल पावर ना, कि कोई आपको कितना भी डिस्करेज कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, मैं कमेंट्स भी लोगों के पढ़ रही थी, बट आप माशाल्लाह से जो आपकी विल पावर है उसको सबको फॉलो करना चाहिए। अभी देखें सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली और एक लास्ट न्यूज ये आई थी कि उसने खुदकुशी करने से पहले अपने बारे में न्यूज गूगल की थी, जो उसके लास्ट गूगल निकले हैं। पता नहीं बेचारा डिसहार्टेड हुआ ये, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ और मैंने ये बकायदा ट्वीट भी किया कि शायद हम मीडिया वाले उसकी डेथ के कहीं जिम्मेदार तो नहीं है, हम उल्टा सीधा कुछ भी लिखते हैं, किसी के बारे में हमें तमीज नहीं है और किसी के दिल पे क्या गुजरती है। तो ये तो लड़की है, मतलब विल पावर टफ से मस्त नहीं होती, कुछ भी लिखना है, कुछ भी कहो आपके मेरे पीछे इतना कुछ बोल, मेरे पीछे लोग इतना कुछ बोलते हैं, इतनी धमकियां भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, घर तक बात आ जाती है, मैं परवाह ही नहीं करती, मैं इतनी दूर हूँ। जबरदस्त, देखिए ये चीज होती है और ये चीज समझने वाली होती है और हम सबको जो है ना इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होना चाहिए। असल में जो गालियां दे रहा होता है वो अपनी खुद ही तर्जुमानी कर रहा होता है, तो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, सामने वाला का तो कुछ नहीं जा रहा होता है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि कितने लोगों ने आपके खिलाफ साइबर क्राइम किया बट यू डिडंट इवन केयर, आपने उनको, आप चाहती तो उन पे जो है केस कर सकती थी, परवाह ही नहीं है। अच्छा सऊदी अरेबिया में ना बार दफा कुछ लॉयर्स हैं वो कहते हैं अगर कोई आपको साइबर क्राइम करे या आपको इंसल्ट करे तो फौरन बताएं, ये पैसे कमाने का जरिया है। ऐसे लोग आपके पास किसी ने साफ साफ साइबर क्राइम, जिसमें क्वारी हो ऐसे पैसे को क्या फायदा। ये लॉयर्स कहते हैं हमारा काम है हम ही जाएंगे हम ही आएंगे, बस आपकी किसी ने साइबर क्राइम कर दिया यही काफी है और दिस इज अ वर्क। तो लोग ना ऐसे मौके ढूंढते हैं, इधर तो ऐसा ही है कि लॉयर्स खुद आते हैं और आके कहते हैं कि भाई ये तो काम है, जॉब है। अच्छा संदल आपको पता है कि मैं शायरा भी हूँ और मैं शायरा भी हूँ और मेरी अभी दूसरी किताब आ रही है। मैंने आपके लिए एक खता कहा था और वो मैं चाहूंगी कि वो मैं आपकी नजर करूं और सारे जो ऑडियंस हैं, काफी लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, आप लोगों को खता अगर पसंद आएगा तो जरूर दाद दीजिएगा, क्योंकि अच्छे शेर का हक अदा करना किसी भी अदबी सामईन जो है वो उनका फर्ज होता है और ये हमारा हक, तो मुलाहिजा कीजिए। ये मैंने सिर्फ संदल के लिए कहा है क्योंकि इनका फेस देखकर मुझे ये आमद हुई थी। और देखिए कुछ और मत कहिएगा कि देखिए औरत औरत पे देखे ये शेर कह सकती है, ठीक है ना, मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, मैं फिल्म मेकर हूँ तो और शायरा हूँ। अच्छा वो सर से पाँव तलक रोशनी की धारा है, संदल खटक की नजर, वो सर से पांव तलक रोशनी की धारा है और उसके चारों तरफ खुशनुमा नजारा है, वो सर से पांव तलक रोशनी की धारा है और उसके चारों तरफ खुशनुमा नजारा है, फिर उसके गाल पर एक ऐसा तिल समीरा अजीज, उसके गाल पर एक ऐसा तिल समीरा अजीज, करीब चांद के जैसे कोई सितारा है।
करीब चांद के जैसे कोई तारा। तो एज अ फिल्म मेकर अगर मैं कैप्चर करूंगी शुक्रिया बहुत बहुत तब सबसे मुझे दाद मिलनी चाहिए जो जो यहाँ सुन रहे हैं। एज अ फिल्म मेकर अगर मैं आपको कैप्चर करूंगी तो मैं आपको पहले इसी साइड से कैप्चर करूंगी जहाँ से जो है वो दिल मजा आ रहा है। ये एक अनयूजुअल अनयूजुअल फेस है और लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, फिल्म डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा रुका हुआ है लेकिन एज सून एज पॉसिबल मैं चाहूंगी कि इस चेहरे को सामने लेकर आए। और सोशल मीडिया पे अब बहुत हो गई बात और लोगों ने जो जिस तरह से जो है आपकी कवरेज दी है बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह से आप एक किसी औरत को किसी इंसान को कैसे कह सकते हो। और इसकी बहुत जरूरत है संदल, जब कोई विक्टिम बनता है ना तो उसके अंदर से आवाज आती है। मैं चाहती हूँ कि आप बोला करें अपने लिए बोले, उनको पता उनको व्यूअर्स मिलते हैं ना मेरी वजह से, अगर वो कुछ बोलते हैं गलत इल्जाम लगाते हैं तो उनको व्यूअर्स मिल रहे हैं तो मेरी तरफ से मेरी वजह से उनका खाना पीने का चल रहा है तो बस चलता रहे। नहीं मगर किसी को इतनी इजाजत मत दे। दूसरा कि कुछ लोग आपसे कुछ मीडिया के लोग जो है आपसे एक ही सवाल करते हैं खास सवाल, तो तंग आ गए हर इंटरव्यू में एक खास सवाल और आप जिसका जवाब मत दे आप उनको बोले नो कमेंट मैं नहीं जवाब देना चाहती। तो इस तरह से आप जो है ना वो पुरानी सारी चीजें जो है उनको कोई जवाब ना दिया करें और आप अपने बारे में बात करें और आप जो है अपने काम के बारे में बात करें। आप अब एक्टिंग की तरफ बढ़ना चाहती हैं, आपको एक्टिंग करना चाहिए, यू डिजर्व टू बी मॉडल, आप पाकिस्तानी कपड़ों को बहुत प्रमोट कर सकती हैं, यू आर माशाल्लाह टॉल और सब कुछ, तो वो उस तरह यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा टैलेंट की कदर नहीं है ये सही बात है लेकिन इस चीज को बदलने की कोशिश करें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है अगर वो आगे आएगी आगे बढ़ेगी तो आप जैसे ही चेहरों की वजह से आगे बदलते हम मीडिया वाले हमें ये चीज जाहिर है लोग अगर नहीं सोच रहे तो हमें उनको सुचवाना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा कि वो इस तरफ भी सोचे। और मैं बाहर की मीडिया की हूँ लेकिन मैं सऊदी मीडिया की हूँ और हमारी यहाँ सऊदी मीडिया में औरतों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। यकीन करिए आप सऊदी अरेबिया आएंगी डेफिनेटली तो मैं आपको यहाँ मिलवाऊंगी, हम लोगों के यहाँ पे बड़े ऐश हैं, अब तो हम बड़ी गोल्डन लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, यानी पूरी पूरी कंपनियां चलाते हैं, ड्राइविंग की भी इजाजत हो गई है, सब काम करने की इजाजत है। लेकिन कोई अगर हमें जो है कुछ कह दे अगर इंटरनेट जो है वो जा रहा है। जी दोस्तों तो सुना आपने एक बहुत पॉजिटिव बात, एक ग्रेट विल पावर की लड़की जो आपको ये सबक देती है कि घबराना नहीं है और अपने हदफ की तरफ बढ़ते जाना है। एक्ट्रेस बनना चाहती हैं पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी हीरोइन मिल सकती है, पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बाहर का फिल्म मेकर उनको उचक कर अपनी फिल्म की हीरोइन बना ले और आप रह जाएं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डोंट फॉरगेट मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ। जनाब तो आप संदल खटक से बातचीत करके उनका प्यारा प्यारा चेहरा देखकर खुश हुए होंगे, मैं भी बड़ी खुश हुई और मैंने उन पर ये खता भी कहा और दाद दीजिएगा आपको ये खता अगर पसंद आया, ये खता मैंने उनके नाम किया। मेरे साथ कुछ अजीब गरीब बात ये हुई कि जैसे ही मैंने पोस्टर जो है वो पोस्ट किया, मैंने क्या पोस्ट किया वो बिरेन बगाड़िया जो हमारे हैं उन्होंने पोस्ट करवाया था तो उसके नीचे अजीब अजीब से कमेंट्स आए मेरे पेज पर मेरे गेस्ट के लिए ऐसी बातें लिखे मैंने तो वो कहा कि सारे ये आप डिलीट करो। लेकिन अफसोस हुआ क्योंकि वो कमेंट्स खुद संदल खटक साहिबा के मुल्क पाकिस्तान के लोगों की तरफ से थे और मुझे लगा कि उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब ही नहीं पता और वो संदल खटक को जिस तरह की दूसरे प्रोफेशन की खवातीन के साथ जोड़ रहे थे तो संदल खटक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मार्केटिंग करती हैं और जिस किस्म की वीडियोस के लिंक्स उन्होंने दिए वो सारी मॉर्फ और एडिटेड वीडियोस जिनसे कोई भी मेरे जैसा फिल्म मेकर या पढ़ा लिखा या बाशऊर इंसान तो एग्री नहीं कर सकता। तो जनाब ये शऊर हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे ही है कि आप जाकर जो है एक ओवन तो ख़रीद लाएं लेकिन आपको उसमें केक पकाना आता नहीं है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप अगर किसी को टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब वगैरह पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब तो आना ही आना चाहिए, इतने मैच्योर बनी है जनाब। और फिर आपके वालिदैन का क्या कसूर है, लोग कहेंगे लो इनके वालिदैन ने तो इनको
उनको सिखाया नहीं है, ऐसे ही शायद उनको बड़ा कर दिया। तो अपने वालिदैन को गाली मत पढ़ने दें, आप अपनी तर्जुमानी खुद कर रहे होते हैं, आप के बारे में एक महज़ब लोग क्या सोचेंगे। तो जनाब अक़ल से काम लें, अपना एहतराम कीजिए, दूसरे का कुछ नहीं चाहता। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपने हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जनाब। हमें हर जगह समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और स्नैपचैट पर भी, और फेसबुक पर समीरा डॉट अज़ीज़ डॉट मीडिया पर भी मेरा अकाउंट है, जहाँ हम स्माइल विद समीरा अज़ीज़ के शोज़ आपके लिए लाते ही रहेंगे। और हाँ, BGM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता और साद अब्दुल लतीफ़ जो हैं वो समीरा अज़ीज़ एंटरटेनमेंट से आपके लिए ये शो स्माइल विद समीरा अज़ीज़ लेकर आते हैं हर दफ़ा। और आप ये जो कंप्लीट एडिटेड शो है ये YouTube पे समीरा डॉट अज़ीज़ डॉट ऑफिशियल पर देख सकते हैं। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ, कुछ ना कुछ सीखने सिखाने के लिए। तो जनाब टिल देन, सलामा, बाय बाय।